उत्तराखंड के चंपावत जनपद के टनकपुर क्षेत्र में स्थित सुप्रसिद्ध माता पूर्णागिरी धाम में नववर्ष 2024 के अवसर पर भारी संख्या में भक्त माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। माता के दर्शन नववर्ष का प्रारंभ करने वाले माता के भक्तों के जयकारों से पूर्णागिरी धाम की पर्वतमालाएं गुंजायमान हो रही हैं। मंदिर के पुजारी मोहन चंद्र पांडे ने जानकारी देते हुए बताया है कि नववर्ष के अवसर पर माता के दर्शन एवं पूजन कर नए साल की शुरुआत करने वाले भक्त हजारों की संख्या में धाम में पहुंच रहे हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय से ही धाम में भक्तों के द्वारा माता के दर्शन करने का सिलसिला जारी है। आदिकाल में इस स्थान अन्नपूर्णा शिखर पर माता सती का नाभि अंग गिरा था, तब से ही यहां माता पूर्णागिरी के रूप में माता सती के नाभि स्थल की पूजा अर्चना का विधान है। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्ची भावना के साथ माता के दर्शन कर मनोकामना करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हर वर्ष चैत्र नवरात्र के अवसर पर धाम में भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। 2024 दर्शनार्थियों में बड़े उत्साह के साथ दर्शनार्थी आ रहे हैं और उम्मीद है कि कम से कम 30,000 से 40,000 तक के श्रद्धालु यहाँ पहुँचने की उम्मीद है, ताकि पूर्णागिरी के दरबार में अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए और माता से मन्नतें मांगने के लिए आते हैं। और माता की बड़ी महिमा है, अपार महिमा है और जगत जननी भगवती मैया दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जो सती का जो अंग जो जल करके उनने आहुति दी थी उनमें से पर एक अंग यहाँ पर भी नाभि का अंग गिरा है और जिसकी नाभि कुंड है या नाभि की पूजा होती है और लोग दर्शनार्थी लोग साल भर में आते हैं। करीब 40-50 लाख लोग दर्शनार्थी हर साल यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।